कशमकश। सिंघानिया साहब, अपने दामाद बहन के लिए कुछ ज्यादा ही आंसू बहा दिया। देवयानी जी, आंसू होते इसी वक्त के लिए। हमारे बीच कुछ राज तो रहा नहीं, सब कुछ साफ साफ है, इसलिए इतना बता दो कि मयंक के अपहरण के पीछे तुम लोगों का मकसद क्या है। देवयानी जी, एक बात तो आपने बिल्कुल सही कही, अब हमारे और आपके बीच में कोई राज राज नहीं रहा। लेकिन बार बार हमें फंसाने के चक्कर में आप उलझ जाती हैं। अगर बात सिर्फ देवयानी चौधरी तक होती तो तुम दोनों नकली बाप बेटी अभी कहीं और होते हैं। लेकिन मंदिरा मेरी बेटी है और मेरी बार बार हार की मजबूरी भी। ओहो, तो बेटी की तड़प नहीं देखी जा रही है। सिंघानिया, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा मकसद क्या है। तुम्हें रुपए चाहिए, मैं दे दूंगी, बस मयंक को हमारे हवाले कर दो। अगर उससे कुछ हो गया तो अंजाम बुरा होगा। आप चिंता मत कीजिए, नकली ही सही पर वो मेरा दामाद है, लेकिन है बहुत परेशानी में। ना पानी है, ना खाना है, कुछ नसीब नहीं हो पा रहा। और ये उसका ससुर सब कुछ जानते हुए भी उसके लिए कुछ नहीं कर रहा। जितना तुम लोग मयंक को तड़पा रहे हो उससे ज्यादा मैं तुम लोगों को तड़पाऊंगी। नहीं नहीं देवयानी जी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मयंक को किडनैप कराने का इल्जाम आप पर लगेगा। जरा सोचिए, जब इल्जाम आप पर लगेगा कौन तड़पेगा, आप या मैं? अगर खुद को बचा सकती हैं तो बचा लीजिए, बाद में ये मत कहिएगा कि मैंने आपको बताया नहीं। मैं चलता हूं, नमस्कार। हेलो, नमस्कार देवयानी जी। मयंक वो हमारे पास है देवयानी जी, और बिल्कुल सही सलामत है। क्या कहा आपने? काम्या को उसे भी रास्ते से हटाना है क्या? ओ, मयंक से दूर करना चाहती है आप उसे? खैर वो सब तो ठीक है, लेकिन इस काम के मैं पूरे 5 लाख रुपए से कम नहीं लूंगा। मयंक को? नहीं नहीं, उसे बिल्कुल पता नहीं चलेगा। जी हाँ, उसे पता नहीं लगने दूंगा कि इसके पीछे आपका हाथ है। नीमा, और इतना बड़ा धोखा, मेरी मेरी कामिया को मारने की साजिश। तनु, इस तरह कंपनी के रुपए लाना सही बात नहीं है। सहल, मेरे लिए तुम्हारे आगे इन रुपयों की, उस कंपनी की कोई कीमत नहीं है।
एक बार तुम वापस आ जाओगे तो रुपए भी आ जाएंगे और कंपनियां भी बहुत सी खड़ी हो जाएंगी। हाँ लेकिन तनु, कल को इसका अंजाम बुरा हो सकता है। मैं सब कुछ देख लूंगी, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी। कब तक बर्दाश्त करती रहोगी? मुझे क्या हुआ है साहिल, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हाँ बस तुमसे दूरी जरूर मुझे कभी कभी रुला जाती है। तनु तुम्हें पता है ये दूसरी बार तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रही हो। नहीं साहिल, भला तनु कभी अपने साहिल से। रुक क्यों गई? कहो ना कि अपने साहिल से तनु कभी झूठ नहीं बोल सकती। तनु कामिया ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं क्या करूं साहिल, क्या करूं मैं? तनु अब जो भी कुछ करना है तुम्हें ही करना है। तुम तो जानती हो कि पूर्वा नादान है, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या किया जा रहा है। और तनु, पूर्वा की जगह मैं तुमसे माफी मांगता हूं। नहीं साहिल ऐसा मत बोलो, मैं भी जानती हूं कि इसमें पूर्वा की कोई गलती नहीं है। और इसीलिए मैंने उसकी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं माना, क्योंकि वो भटक गई है और फिर उसे तो मुझे ही संभालना है ना। तुम कितनी महान हो तनु, अपनी खुशियां अपनों को बांट दी और उसके बदले में सिर्फ आंसू ले लिए। इसीलिए तो कहते हैं कि फर्ज को निभाना आसान नहीं होता। अच्छा अब मैं चलती हूँ, और शायद अब दोबारा ना आ पाऊं। क्यों, किसी को पता चल गया क्या? पता तो नहीं चला लेकिन शक जरूर हो गया है। किसको? पूर्वा ने तुम्हारी वो सालगिरह वाली अंगूठी देख ली और एक और गलत रिश्ते का इल्जाम मेरे ऊपर लग गया। खैर छोड़ो, तुम परेशान मत हो। देखो वो लोग भी तो गलत नहीं है ना, आखिर मैं उस घर की बहू हूं। लेकिन जब तुम वापस आ जाओगे तो सारी सच्चाई खुद ब खुद उनके सामने आ जाएगी और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अपना ख्याल रखना। तुम भी। आशिक से मिलने आई होगी, आज पता लगा कर रहूंगी। एक्सक्यूज मी, आप बता सकती हैं कि ये यहां किससे मिलने आती है? रूम नंबर 203 में कोई सागर साहब है, उनसे मिलने आती है। क्या ये हमेशा यहाँ आती है? हाँ। ओके थैंक यू। हेलो। हाँ मैं रूम नंबर 203 से बोल रहा हूँ। देखिए मेरे रूम के बाहर ना कोई डोर नॉक कर रहा है बार बार, प्लीज आप देखिए मुझे डिस्टर्ब ना करें क्योंकि मैं मिलना नहीं चाहता उनसे। ओके सर। हाँ आप समझा दीजिए, थैंक यू। ओके
एक्सक्यूज मी मैडम, कौन है आप, किससे मिले आपको? प्लीज बाहर जाइए। मुझे सागर साहब से मिलना है। सागर साहब आपसे नहीं मिलना चाहते, प्लीज बाहर जाइए। दिनों बाद मेरी पुरवा आई भी तो कामिया क्या मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मुझे कोई, मुझे कोई मारना चाहता है। क्या तुम्हें कोई मारना चाहता है? तो हाँ मम्मी जी, उस खिड़की के सामने वहां पे चाकू लेकर आता था मम्मी जी। कामिया रिलैक्स, वहाँ पर कोई नहीं है, ये तुम्हारा बहन है, कोई नहीं है वहाँ। नहीं मम्मी जी, वो खिड़की से अंदर आने ही वाला था कि कामिया, कामिया कोई नहीं है वहाँ पर। और वैसे भी हम दोनों है ना यहाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ओके? कोई तुम्हें कुछ नहीं। हम पानी दीजिए प्लीज मम्मी जी। कामिया पानी, वो पानी, रिलैक्स, कोई नहीं है वहाँ। लेट नेचर, हम दोनों हैं यहाँ, नेचर। मम्मी जी, ये उसी का फोन होगा, ये उसी आदमी का फोन होगा मम्मी जी। शायद उसी आदमी का फोन है। हेलो मंदिरा जी। हाँ बोल रही। हाँ मयंक से बात करना चाहेंगे आप? मयंक कहाँ है मेरा बेटा, प्लीज उसे फोन दीजिए, प्लीज मेरी बात करवा दीजिए उससे प्लीज। हेलो मॉम। मयंक बेटा कैसे हो तुम, कहाँ हो तुम? मॉम ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मॉम, मॉम मेरी बात ध्यान से सुनिए। बोलो। मॉम नानी माँ ने मुझे किडनैप करवाया। और वो कामिया को भी जान से मार देना चाहती है। मॉम मॉम प्लीज कामिया को बचा लो, कामिया को बचा लो मॉम, नहीं तो नानी माँ उसे मुझसे छीन लेंगी। वहां मॉम, 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 मॉम क्या हुआ मंदिरा, क्या हुआ, क्या कहा मयंक ने, ठीक तो है वो? क्यों, क्यों किया आपने ऐसा? मैंने, मैंने क्या किया? आपने मयंक को किडनैप क्यों करवाया? उसे अगवा करवाया? हाँ मयंक को आपने किडनैप करवाया, और अब आप कामिया की भी जान लेना चाहती हैं? नहीं मंदिरा, मेरा विश्वास करो। बस अब मुझे कुछ नहीं, कैसी मां है आप? बेटी की खुशियां छीनने के लिए साजिश की। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, आज से आपका और मेरा रिश्ता खत्म। सुन रही है ना आप? आपकी वजह से पहले मेरा आदित्य मुझे छोड़ गया, मैं आने से पहले ही चला गया, और अब आप मेरे मयंक और मेरी कामिया को भी मुझसे छीनना चाहती। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
आप एक ऐसी जिसके साये में मेरे बच्चों की जान खतरे में। कल सुबह ही हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे और हाँ, आज के बाद ये मंदिर आपके लिए मर गई और आप मेरे लिए। घर और प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ हैं? क्यों? क्यों का क्या मतलब? प्रॉपर्टी के पेपर्स मांग रही हूँ और हाँ, कंपनी की चेकबुक भी चुपचाप मेरे हवाले कर दो। हुआ लेकिन अचानक? इसलिए चाहिए कि कहीं तुम अपना सब कुछ अपने उस आशिक पर ना लुटा दो। अब भाई तुम्हारा क्या भरोसा कि सब कुछ बेच बाज कर हमें बर्बाद करके तुम अपने आशिक के साथ भाग गई तो? बस करो पूर्वा, इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ मुझ पर। ओह, तो मैं तुम पर इल्जाम लगा रही हूँ। कल रात होटल सीवियो में कमरा नंबर 203 में क्या कर रही थी तुम? किससे मिलने गई थी तुम? और हाँ, कमरा नंबर 203 में वो जो सागर साहब है, क्या रिश्ता है तुम्हारा उनसे? भागना चाहती हो ना उसके साथ? भाग जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारे पेपर्स मेरे हाथ में देने के बाद भागना, ठीक है? उर्वा, तुम्हें मुझसे जो चाहिए ले लो, लेकिन इस घर से निकलने की बात मत करो। ये घर मेरा भी है। तुम्हारा? ना ना ना, ये घर तुम्हारा हो ही नहीं सकता। तुम्हारा इस घर के किसी भी सदस्य से और इस घर से कोई रिश्ता नहीं है, समझे तुम? उर्वा, कैसी बातें कर रही हो तुम? आदित्य, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तुम इस औरत के लिए मेरे सामने चिल्लाने की हिम्मत कर रहे हो? अरे तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए ताकि इस औरत को मैं धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल सकूं। और तुम होगी बात चाहे जो भी हो, तुम्हारा तरीका गलत है। ओह, तो मेरा तरीका गलत लग रहा है तुम्हें? इस औरत ने भी ना अपना जादू तुम पर भी कर दिया है। आदित्य प्लीज, तुम लोग मेरे लिए झगड़ा मत करो, अपनी खुशियां मत बर्बाद करो। इसीलिए तो कह रही हूँ चली जाओ इस घर से और हमें चैन से जीने दो। इस घर से हमेशा के लिए जब भी जाएगी तो सिर्फ मेरी अर्थी जाएगी। तो मर जाओ ना, लेकिन इस घर का पीछा छोड़ दो। तुम्हारी तो शक्ल से भी नफरत हो गई है मुझे। इस घर से तो तुम्हें जाना ही होगा, जाना ही होगा। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, इस घर के बाहर तो मैं तुम्हें फेंक कर ही रहूंगी।